हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट लेके आई हूँ जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। हम इसको क्या नाम है, आप इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है। ऐसे बॉक्स आपके यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे, मोबाइल का बॉक्स होता है या चॉकलेट्स के बॉक्स होते हैं, कोई आपके बॉक्स होते हैं, उनको फेंक ही मत, वो सब यूज में आते हैं। ठीक है, ये मैंने बॉक्स लिया है, ये कैमरे का बॉक्स है। ठीक है, इसको मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको आप मेजर करके और पेपर्स काट लीजिए। आप कोई भी कलर का पेपर यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये इसको डेकोरेट करने के लिए इस बॉक्स को मैंने ये कुछ क्राफ्ट बनाए हैं। ये भी देखिए, मैरिज हाउस, मैरिज के कार्ड्स हैं, मैरिज के कार्ड यूज किए हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल यूज किया है। आप व्हाइट कलर के या ऑफ व्हाइट कलर के जो कार्ड्स होते हैं उनको आप संभाल के रखिए और उनसे देखिए कितने अच्छे पिक्चर्स बन जाते हैं उसमें। ठीक है, ये देखिए फ्लावर्स, ये भी मैरिज कार्ड के यूज किए हैं, मैरिज कार्ड से बनाए हैं फ्लावर्स। ये देखिए सारा डेकोरेट करने का मटेरियल है। ऐसे आप पहले मटेरियल अरेंज करिए। ठीक है, अब देखिए ये बॉक्स है, ये हमने पहले से पेस्ट कर रखा है और मैंने इसको मेजर करके सारे पहले से स्ट्रिप काट रखी है। ठीक है, मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ग्लू का यूज करेंगे। पहले आप साइड की जो स्ट्रिप है पहले उनको पेस्ट कीजिए। ठीक है, ये हमने ग्लू लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगी, ये स्ट्रिप को इस तरीके से ऐसे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ऐसे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम बाद में पेस्ट करेंगे, पहले आप इसको ये देखिए, ये हमने पूरा देखिए पेस्ट कर लिया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये हमने पूरा कवर कर दिया। अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है हम इसको नीचे बेस में पूरा पेस्ट कर देंगे। ऐसे आप लगाइए। आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं बॉक्स में, जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैंने लिया वैसे लीजिए। एक आपका आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से बॉक्स डेकोरेट करना है। आप पूरे बॉक्स से बुलाइए, थोड़ा बॉक्स ऐसा लीजिए थोड़ा सा हार्ड हो, जिसमें हम डेकोरेट करें या हम पेपर टेस्टिंग करें तो वो सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर शेप नहीं आएगा उसका। ठीक है, अगर वो हार्ड बॉक्स होगा तो प्रॉपर शेप भी आएगा और वो काफी टाइम तक चलेगा। ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया है पूरा, देखिए इस तरीके से आप पहले ब्लू से पूरा पेस्ट कर लीजिए। अब हमने जो पेपर स्ट्रिप हमने मेजरमेंट करके पेपर कटिंग की थी उसको आप प्रॉपर ऐसे देखिए। ठीक है, हमने पेपर कटिंग पहले से करके रखी हुई है। ओके, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी फिनिशिंग बाद में लेंगे। बस हमें ऐसे पेस्ट करना है कि कुछ भी हमारा चीज दिखे नहीं, बेकार ना लगे। ठीक है, ये हमने देखिए पूरा बॉक्स किया है, पूरा बॉक्स कवर कर लिया है पेपर से। ठीक है, अब जो साइड के हैं वापस प्लस कट कीजिए, जिससे क्या है ये अंदर ऐसे इजीली आपको पेस्ट करने में इजी है, आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, ये हमने छोटा सा कट दिया और ये हमने आप पहले से अगर मेजर करके प्रॉपर काटेंगे तो हमें इस कटती जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारा देखिए पूरा बॉक्स कवर हो गया हर जगह से। ओके, देखिए अब हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे पहले ग्लू लगा लीजिए इस टाइप से। हम अब क्या है, इसमें स्ट्रिप लगाएंगे जो हमने पहले से ही कट कर रखी है, अब उन स्ट्रिप का यूज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिजाइन में स्ट्रिप काट सकते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप से भी स्ट्रिप आप काट कट कर सकते हैं और प्लेन भी स्ट्रिप कट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे डिजाइन नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत हुए, आप ऐसे प्लेन स्ट्रिप भी काट सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये डिजाइन वाली कट की है तो मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। देखिए आप ऐसे इस टाइप से लगाइए, हमने ग्लू पहले ही लगा लिया है और इस तरीके से प्रॉपर मेजरमेंट लीजिए। ठीक है, देखिए कितना इजी था, ये देखिए इस टाइप से हमने ये देखिए थ्री साइड्स लगा दिया है क्योंकि पीछे हम डेकोरेट के लिए और चीज़ें कर रहे हैं। अब ये फ्लावर हमने बनाए हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। ओके, ये देखिए कलर्स हैं। अब आप ब्लू ब्लू के कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे मैच करके देखिए ये। ठीक है, तो हम इस वाले फ्लावर को इधर पेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है आप वो कर सकते हैं। मैंने ये ऑरेंज कलर का येलो लगाया है, ऑरेंज लगाया है सॉरी। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आप और भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए
पिक्चर्स हमने पहले से रेडी कर रखे हैं। अगर आपको छोटा पेस्ट करना है तो आप ऐसे छोटा वाला पेस्ट कर सकते हैं, तो ये बड़ा वाला हम इस टाइप से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे फ्रंट में करना है तो आप ऐसे फ्रंट में ही पेस्ट कर सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, और भी है हमारे पास, आपको जो भी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है आप उसको ऐसे पेस्ट करिए। देखिए ये भी मैरिज कार्ड से वेस्ट मटेरियल से बना है, हर चीज़ वेस्ट मटेरियल से बनी है। देखिए वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी हो रहा है और देखिए कितना अट्रैक्टिव आइटम ये रेडी हो रहा है क्राफ्ट। ठीक है, मैं कैट कर रही हूँ पेस्ट, आप ऐसे ग्लू लगाइए। आप उसका टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ग्लू से थोड़ा टाइम लगता है पेस्ट होने में। बस एकदम स्टिक करने के लिए हम टैब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तरीके से हमने ये क्या है कैट को पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या थोड़ा टाइम लगेगा ग्लू को सूखने में, है ना। ये देखिए अब हमारी कैट क्या है, देखिए पेस्ट हो गई है ना। देखिए आप हमारी कैट क्या है, इसमें बिल्कुल स्टिक हो गई है ना। इस टाइप से कर लीजिए, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसमें कोई भी और भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के बनाए हुए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसे आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको फ्लावर बनाने नहीं आ रहे तो आप सर्कल काट के, गोल गोल या ट्रायंगल, कोई भी शेप काट के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे मेरे चैनल पर, तो मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो सॉल्व करूँगी। अब आप ये पूरा रेडी हो गया है, अब आप बच्चों को बोलिए कि उसमें वो अपने कलर्स रखें। ठीक है, तो ये कलर्स हैं, बच्चों को बोलिए कि अपने कलर्स अपने बॉक्स में रखें। तो देखिए बच्चे अपने कलर्स अपने बॉक्स में रखेंगे। हम अट्रैक्टिव चीज़ कोई बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर अट्रैक्ट होके क्या करेंगे, वो अपनी चीज़ें उसी में ही रखेंगे, है ना। देखिए कितना ईजी था और पूरा वेस्ट मटेरियल से बना और इतना ईजी आर्ट एंड क्राफ्ट बन गया, है ना। अगर आपको मेरा ये आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू।